देश का अन्नदाता किसान अपनी उपज को बेचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, पर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। वह अपनी जीविका को चलाने के लिए दिक्कतों के दौर से गुजर रहा है। कोविड-19 जैसी महामारी और संक्रमण के बीच किसान परोपेश में है। मामला मुंदी ब्रांच के अंतर्गत बारंगदा समर्थन मूल्य गेहूँ केंद्र का है। किसानों ने बताया कि 4 से 5 दिन से अपनी गेहूं की उपज बेचने को बैठे हैं, पर यहां पर तुलाई नहीं हो पा रही है। किसान भाइयों के गेहूं की बड़ी मात्रा में ढेर लगे हुए हैं और गेहूं तुलाई समय पर नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में किसान बारंगदा गेहूं केंद्र पर अपनी गेहूं मैसेज मिलने के बाद बेचने पहुंचे हैं, पर आलम यह है कि व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में तब्दील है। जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि कोविड-19 के बीच नियमों का पालन कर भीड़ इकट्ठे नहीं करना है। जबकि मैसेज मिलने पर गेहूं केंद्र को बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने को पहुंचा है, फिर जिम्मेदार अधिकार नियमों की अनदेखी कैसे कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि बारंगदा समर्थन मूल्य गेहूं केंद्र पर हमारी उपज को लाए 4 से 5 दिन हो गए हैं, पर गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है। बारदान की कमी बताई जा रही है। वहीं समर्थन मूल्य बारंगदा पर समुचित सुविधाएं भी नहीं है। ना किसानों के लिए बैठने के लिए छांव है, ना ही पीने के लिए पानी की कोई इंतजाम। किसान दिन भर धूप में खड़ा है। व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इस ओर जिम्मेदारों को ध्यान देकर किसानों की समस्या को हल करने की जरूरत है। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। क्या समस्या है? भैया घोनी तुल्ला 2 दिन का परेशान हूँ मैं। मेरे घर सब बीमार पड़े हैं, मैं यहाँ सौं की उनको ले जाऊँ। कितने दिन से आप यहाँ पे हो? मैं 2 दिन से हूँ। अच्छा, तो क्यों नहीं तुल रहे, क्या वजह से? वरदान नहीं है भैया, आ रहा है तभी तक भी नहीं पता है इनका वरदान का। और यहाँ कितने किसान परेशान हो रहे? 150 किसान है यहाँ। आप कहाँ से हो? बांगरदा से हूँ। नाम? गोखोल। आप देख सकते हो यहाँ पे 150-200 किसानों को एक साथ SMS दे दिया है बांगरदा समिति केंद्र पे समर्थन मूल्य। और अभी वरदान यहाँ से 4 से 5 रोज जो हो गए, अभी तक वरदान की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बाबूजी से बात की थी, यीशू बाबूजी से, और बोल रहे कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करें। मैंने उनको बोला कि आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो 150-200 किसानों को बुलाने की ज़रूरत क्या थी एक साथ। क्या करना पड़ा? हाँ, व्यवस्था कर रहे, 4 दिन हो गए, 4 दिन से बस यही हो रहा है कि मुंदी में आ गए वरदान, बस आने वाले मुंदी में आ गए वरदान आने वाले, और अभी तक कोई वरदान भी नहीं है, ना अभी वो कोई आया भी नहीं। आप कब से आके बैठे हो? 4 रोज हो गए मेरे को तो यहीं, 4 से 5 रोज। आप कौन से, कहाँ से आए? रोहनी से। नाम? सुनील निकुम। तोलने में ये है कि 50 ग्राम 400 ग्राम ले रहे, 50 किलो 400 ग्राम, जबकि बोरी का वजन 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, जबकि 400 ग्राम क्यों ले रहे, इतना ऊपर क्यों ले रहे ये आप बताइए। तो आपने पूछा था आपसे? उनको बताया नहीं, ये तो हमारा रूल्स है, हम तो इतना ले ही रहे हैं। और सैंपल निकाल रहे, हर ढेर में से 1 किलो अलग निकाल रहे। आप सैंपल निकाल रहे थे, कट्टे में निकाल रहे और सभी का एक साथ निकाल रहे, तो आप किसको क्या पता, वो तो सभी इकट्ठे हो रहे। अच्छा, एक कट्टे में सभी का डाल रहे हैं, ना किसी नाम, ना नंबर, ना भेज, ना कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।